नमस्कार भैया बनी, गुड लगतानी का हाल बा? ठीक बाना, हम भी ठीक बानी, मस्त बानी। और एक बार फिर से लेकर आ गई बानी यूपी चुनाव पर स्पेशल शो खेला हुई, जिसका था इंतजार वो आ गया है इस बार। जी हाँ, चुनाव की तारीख के ऐलान भ गई बा, तो अब होई धमाका, अब होई चुनावी दंगल। काहे कि इस चुनावी दंगल के शोर दूर तक सुनाई दी, तो जल्दी से बता दे तारी हमार यूपी माने उत्तर प्रदेश में चुनाव कब हुई। भैया हमार उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरण में हुई। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और सातवा चरण हुई 7 मार्च के। और उकर बाद आई चुनावी नतीजा, जेकर बाद सब केहू के इंतजार। जी हाँ, 10 मार्च के चुनाव नतीजा आ जाए सामने, 10 मार्च के साफ हो जाए कि के हुई यूपी के मुखिया, मानी के बनी यूपी के मुख्यमंत्री, और केकर होई टाई टाई फिश। अरे केकर साथ खेला हो जाए खेला, पूरा खेल खत्म हो जाए 10 मार्च के। 10 मार्च के सब दूध के दूध, पानी के पानी हो जाए। भैया रउआ के कहा लगता बताई नू यूपी चुनाव में का हुई? सुनी सुनी पहले कमेंट करके बताई कि के जीती और के हारी। पर जानतानी हमार भैया, अरे मने हमार अखिलेश भैया चुनाव से पहले ही हार मान लेले बाड़े। जैसे ही चुनाव के तारीख के ऐलान भइल, वैसे ही अखिलेश यादव के होश उड़ गइल बा। उनकरा के चुनाव हारे के डर सता रहल बा। तबो ता देखी ना अखिलेश भैया चुनाव से पहले हार मान के उल्टा सीधा बयान देत बाड़े, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करत आ रहे अखिलेश भैया। अरे भैया ई का हुई इलेक्शन के चक्कर में कोरोना के देख के अखिलेश यादव के दिमाग खराब भ गइल बा। काहे नु कि इलेक्शन के चक्कर में कोरोना के देख के इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त बा, रैली रोड शो नुक्कड़ यात्रा सब में रोक लगा दिल गई बा। अब अखिलेश के डर लागता कि बिना रैली बिना रोड शो के उ कैसे जनता तक पहुँचवे। अब समय भी कम बानू, लोगन तक बड़ बड़ बात पहुँचावे के टाइम भी खत्म हो गई बा। अब कैसे अखिलेश भैया अपन भौकाल टाइट दिखाइए, टाइम भी खत्म, ऊपर से सब में रोक, सब रैली चुनावी रैली रोड शो पद यात्रा सब में रोक हो गई बा। यही से अखिलेश भैया के डर लागता कि अब का हुई कैसे चुनावी रैली करें सब बंद कोरोना के डर से। यही से अखिलेश भैया डर गई बाड़े, अखिलेश भैया चुनाव से पहले ही यही से हार मान लेले बाड़े। अब कहत आ रे कि इलेक्शन कमीशन चुनाव के इस सब रूल पर विचार एक बार फिर से करी। पर भैया ये सब तो बहुत मुश्किल बा, अब तक चुनावी दंगल हो गई बा शुरू, और बीजेपी खातिर सब मंगल ही मंगल बा। चुनाव के एक तरफ रिजल्ट आयल तो दूसरा तरफ योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके जीत के दावा कर देले। योगी जी ट्वीट कर लिखले, रुकी बतावतानी का लिखले। योगी जी लिखले, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुई। तो समझ गई नू ई ट्वीट के मतलब। अब देखी ई ट्वीट से ही साफ बा कि योगी जी एकदम कॉन्फिडेंट बाड़े चुनाव के लेके। उनकरा के साफ साफ पता चल गई बा कि यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनी। काहे नू यूपी में काम बहुत भइल बा।
और चुनाव के तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी के तरफ से बड़ बड़ शिलान्यास कल गई, बड़ बड़ अनाउंसमेंट कल गई, बड़ बड़ चीज के उद्घाटन भइल बा। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस देख ली, कितना सारा अस्पताल खुल गई बा, स्कूल खुल गई बा, ओकर बाद बाद वो विश्वनाथ कॉरिडोर खुल गई बा, एयरपोर्टो खुल गई बा। बाप रे बाप, इतना बड़ बड़ काम भइल बा कि काका बताई। कानपुर में मेट्रो खुल गई बा, तो जेवर एयरपोर्ट बनाता, खुशी एयरपोर्ट बा, इतना सारा काम बा कि हम गिने लागे हम तो थक जाए। यही से हम जाता नहीं, पर जाए जाए रवा लोगिन से ये पूछा था नहीं, बताई का लगता यूपी चुनाव में का हुई। सुनी सुनी कमेंट करके बताई कि खेला हुई कि ना। अब तो नतीजा के तारीख भी आ गई बा, 10 तारीख के ई साफ हो जाए कि के यूपी के दंगल के राजा बनी और के कर टाई टाई फिश हुई। पर हम तो ये कहता नहीं, जाते जाते चुनाव से पहले अखिलेश यादव डर गई बाड़े, उनका के लगता कि वो हार जाइए। पर रउआ की का लगता कमेंट करके बताई। अब हम भैया जाता नहीं, गोड लगता नहीं भैया, टाटा बाय बाय।